सो गाइस देखा मार्केट्स में आए ना ज़्यादा भीड़ था और बहुत ही अच्छा लगा। और देखिए हमारे बाबू भी आज गेरुआ कलर में रंग गई है। तो गाइस यहाँ पे देखिए एकदम भंडारा लगा हुआ है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, भगवान जी का प्रसाद ले रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा सजा हुआ है। सो गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आप लोग का स्वागत है जय श्री राम करके। तो आप लोग भी बोलिए जय श्री राम। आज 22 जनवरी है जो कि बिल्कुल ऐतिहासिक दिन है, आज 22 जनवरी 2024 और बहुत ही खुशी का माहौल है। और दिल्ली में हर जगह मतलब इतना ज़्यादा रोमांच है, इतना ज़्यादा मतलब पब्लिक है, इतने लोग खुशी मना रहे हैं, भंडारे करवा रहे हैं, देख के बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि आज मैं सुबह 6 बजे निकल गया था घर से और जस्ट अभी आया हूँ, 11 बज गए हैं गाइस। और 4 घंटे मैंने आज 6 किलोमीटर पैदल चले हैं, उसके बाद क्रिकेट भी खेला है, तो बहुत ही अच्छा माइंड बिल्कुल फ्रेश लग रहा है। तो बस अभी घर पे आए हैं तो देखे हैं बहुत ज़्यादा घर पे साफ सफाई चल रही है, पूरे घर की साफ सफाई चल रही है और बाहर पूरे वो लगा रखे हैं झंडा, बोलते हैं ना हर घर तिरंगा, हर घर झंडा, हर घर भगवा, हर घर दिया, हर घर पटाखे। तो भाई आज शाम को बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, हम लोग पटाखे रखे हैं और जश्न मनाएंगे श्री राम भगवान जी के अयोध्या आने की खुशी में। आज प्राण प्रतिष्ठा पूजन था, इसमें बहुत सारे सेलिब्रिटी और मंत्री मोदी जी, योगी जी, बहुत लोग आए हुए हैं, तो देख के बहुत अच्छा लगा। अभी भी न्यूज़ चल रहा है, न्यूज़ में सब कुछ दिखा रहा है, तो हम भी चलते हैं थोड़ा सा और न्यूज़ देखते हैं। इससे पहले थोड़ा सा ब्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो आप लोग गाइस जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को इन तक देखिएगा, तो बने रहिए, मिलते हैं कुछ देर बाद। देखिए किचन में खाना बन रहा है, कोमला खाना बना रही है और बाहर का नज़ारा भी आज बहुत ही अच्छा, हल्का फुल्का धूप भी है अभी अभी। तो क्या बना रही हो जी? हाँ क्या बना रही हो? अभी तो पोहा बना रहे हैं, उसके बाद बनाएंगे खाना। तो अभी नाश्ता बना रहे हैं, आपको गाइस पता है घर पे मेहमान आए हुए हैं तो पहले उनको भी सेवा पानी करना जरूरी होता है। दूसरे लिए ये दीदी ने इधर पानी का डब्बा धो के रख दिया है और ये नाश्ता बना रही है। नाश्ते में देखिए पोहे के लिए मटर उटर, हाँ मटर, ये मटर ले मटर ये। अच्छा जी तुम ये ढूंढ रही थी सुबह? इनको पता ही नहीं मैं कब गया था उसमें। लेकिन आज बाबू ना आज ना जाके ना इतना अच्छा माइंड मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना, क्या बताऊं मैं। जहाँ बीवी बच्चे ना रहे हुआ तो बीवी बच्चा इतना सुबह तुम ही रहता है ये इंसान। अरे यार बच्चे इतना सिर दर्द करते हैं ना कि पूछो मत, चाहे अपना। अच्छा हम जब गए तब सब लोग सो रहे थे और भाई पता है मैं यहाँ से गया था 8 किलोमीटर दूर, वहाँ पार्क था आर के पुरम में, भी पैदल चले। हाँ वो भी पैदल चले साथ साथ में, फिर क्रिकेट खेले, इतना दौड़े, बॉलिंग की, एक मैच खेले उनका नंबर नहीं आया। अच्छा क्योंकि हम लोग को वहाँ आउटडेट का मैच था तो वहाँ भी बंदे ज्यादा थे। देखिए पोहा निकालनी है, उसको धोएंगे, उसको बनाएंगे बढ़िया। पोहा बहुत अच्छा लगता है गाइस। और आप लोग बोलते हैं आपको यहाँ पोहा निमोना ऐसे ठंडे में यही सब अच्छा लगता है, आप खाओगे तो आप भी बोलोगे कि हम चाहे पकौड़ी भी बनाते, कुछ और बनाते नाश्ते में, लेकिन ना अभी मौसम भी यही चल रहा है, यही अच्छा लगता है। आप लोग भी खाओगे तो बोलोगे हाँ यार अच्छा लगता है, मटर वाला और ये पोहा मेरे हाथ से तो ज्यादा। अरे भाई इनके हाथ का भाई सब तारीफ करता है, जो लोग भी बोलते हैं तुम कैसे बनाती हो इतना फटाफट और इतना बढ़िया, ये चीज बहुत सुनने में अच्छा लगता है। मटर एकदम ताजा है, मटर अभी मैं लेके आया हूँ, जस्ट अभी छीला हुआ, मैं गया था उधर से बोलिए सब्जी वगैरह लेके आना, टमाटर और मटर, तो मटर मैं टमाटर भी लेके आया हूँ मैं। चलो भाई पोहा बन जाता है, फिर लोग से मिलते हैं। तो आज देखिए हमारी छत के नीचे से गली में सब भगवान श्री राम का जुलूस यात्रा, मतलब जो खुशी है सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और घूम रहे हैं, कहीं भंडारे भी हो रहे बहुत जगह, तो बहुत ही यादगार पल हो गए, आज इतिहास हो गया, इतिहास के पन्ने भी लिख गया। तो
तो एक बार फिर से बोलना चाहते हैं, आप लोग भी बोलिए जय श्री राम, ढोल नगाड़े के साथ बाजों के साथ श्री राम जी का फोटो लेके और बाइक पे बहुत ही मजा आ रहा है। तो वैसे मैं छत पे ही था तो इसीलिए मैं नीचे नहीं जा पाई, लेकिन अभी मैं जाऊँगा मार्केट में और भंडारे भी हो रहे हैं। A few moments later. तो फाइनली गाइस देखिए यहाँ पे नाश्ता वास्ता बनने के बाद सबको करा दिया नाश्ता, फिर नहा के आ गई हैं क्योंकि गाइस पूजा का टाइम भी हो गया था। इन्होंने सोचा फिर चलते हैं नहा के पहले पूजा करते हैं। आज आपको पता है अयोध्या में हमारे श्री राम भगवान जी आए हैं, प्राण प्रतिष्ठा था और अभी न्यूज भी आएगा, मोदी जी लाइव होंगे, सब कुछ बताएंगे उसमें कैसे कैसे क्या हुआ। अरे शक्ल तो दिखा यार, क्योंकि ये बाल सुखा रही गाइस, हीटर लगा हुआ है, ब्लोअर लगा हुआ है, ब्लोअर से बाल सुखा रही हैं, गोरी लग रही है आज यार। और उधर देखिए उनकी दीदी खाना बना रही है वहाँ पे, तब तक ये नहा के आ गई है, नाश्ता वास्ता बना दिया था और रोटी सब्जी बना रही हैं। चलो पूजा कर लो भगवान जी का, आज तो विशेष पूजा, लड्डू वगैरह सब चढ़ेगा। अरे इनका बाल तो सूख जाए, क्योंकि बाल बहुत गीले हैं तो बाबू को बहुत नुकसान करता है और उनको भी नुकसान करेगा गीले हैं तो, इसलिए गाइस इनका बाल सूख जाता है। फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस यहाँ पे देखिए हम ओवर वाइस कर रहे हैं और आज भगवान जी का हम दोनों साथ में पूजा कर रहे हैं। जल्दी जल्दी कभी कभी साथ में पूजा हो जाता है तो बहुत ही मतलब भगवान की भक्ति में लीन हो गए थे। तो पूजा होने के बाद का ही सीन है, बस भगवान से प्रार्थना कर रहे थे तो प्रार्थना हमने कर लिया और भगवान जी को हाथ जोड़ लिया, जो मांगना था मांग लिया हमने। और यहाँ पे कोमल जयकारी लगा रही है और मैं भी जयकारी लगा रहा हूँ, जय श्री राम जय श्री राम, आज पूरी दुनिया बोल रही है। तो फाइनली गाइस यहाँ पे हमारा पूजा हो गया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है आज, आपसे दिन कैसा लग रहा है? बहुत ही फ्रेश और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि और बहुत गर्व फील हो रहा है कि गाइस हम हिंदू हैं, सनातनी हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि 500 वर्षों से जो हमारे श्री राम भगवान थे वो वनवास में थे, अब वापस अपने घर लौट रहे हैं, वो 14 साल का तो आ गए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब इतना रोड पे इतना चहल पहल है, इतना अच्छा लग रहा है कि पूछो मत। गाइस अभी मैं जा रहा हूँ बाहर और आप लोग को दिखाता हूँ, अभी एक लोग जुलूस निकाल रहे हैं जय श्री राम करके, तो मैं अभी छत से दिखाऊंगा, आ गए हैं उसको जाऊंगा मार्केट कुछ सामान ले, तो वहाँ भी देखते हैं क्या नज़ारा है बाहर का, कैसा क्या है। तो आज देखिए हमने भी भगवा कलर पूरा हो रखा है, आप लोग भी दम रन जाइए, जय श्री राम बोलिए। शाम को हम भी तैयार होंगे, शाम को और गाइस शाम को पता है सब जलाएंगे, दिए जलाएंगे, पटाखे जलाएंगे और पूजा फिर करेंगे रात रात को, क्योंकि मोदी जी ने बोला था इस ये अभी दिवाली की तरह मनाइए, जबकि दिवाली इसीलिए मनाते हैं क्योंकि राम भगवान अयोध्या से लौटे थे, यानी वनवास से अयोध्या लौटे थे, तो आज फिर अपने घर में आ गए फिर से, इतनी जंग इतनी लड़ाई लड़ने के बाद इतनी खुशी की बात है क्या कहूँ मैं आप लोगों से। तो आज फिर दिवाली मनेगा, पटाखे जलेंगे, पूजा होगा, ये 22 जनवरी इतिहास के एक पन्ने में छप गया है और हर साल ये मनाया जाएगा एक त्योहार की तरह। मोदी जी ने बोला था कि अभी आप लोग अयोध्या मत आइए, तो बहुत लोग उनका बात माना, सम्मान किया, तो लोग गए नहीं वहाँ पे, कुछ खास सेलिब्रिटी वगैरह अभी VIP लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं और हम लोग बस अभी टीवी में भी आ रहा है तो अभी चल के देखते हैं कौन कौन आया है। मैंने सुबह देखा था सोनू निगम संगीत वगैरह गा रहे थे और मैं चिरंजीवी हीरो थे वो भी थे आए थे, मतलब बहुत सारे सेलिब्रिटी, जैकी श्रॉफ वगैरह बहुत लोगों को मैंने देखा है वहाँ पे। इसलिए गाइस सब मैं जा रहा हूँ मार्केट, फिर आके मिलते हैं आप लोगों से और तब तक इधर खाना पीना बन गया है, क्या है निमोना, तो आज निमोना रोटी बनाया हुआ है, चावल सब्जी भी है। सच में यार आजकल ना खाने की वैरायटी घर में बढ़ गई है, सब्जी भी बन रहा है, निमोना भी बन रहा है, दाल चावल बहुत ही मुझे मज़ा आ रहा है। बट गाइस मैं इतना नहीं खाता हूँ, मैं बस एक दो रोटी खाता हूँ, वो भी दाल और आलू तो बिल्कुल नहीं खाता मैं। तो चलिए खाना तो बन गया, तब तक मैं मार्केट से होके आता हूँ। तो फाइनली देखिए यहाँ पे मैं आ गया हूँ गाइस मार्केट में और मार्केट में कितना अच्छा डेकोरेट हुआ है, बहुत प्यारा सजा हुआ है और जगह जगह भंडारा है, कहीं पूरी हलवा, कहीं रोटी सब्जी, कहीं राजमा चावल, कहीं कढ़ी चावल, तो हर जगह कुछ ना कुछ गाइस प्रसाद के रूप में वितरण हो रहा था
तो मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन हमारे यहाँ भी था, वहाँ पे भंडारा है, तो हमने जो हमारा सहयोग था हमने वहाँ पे दे दिया ताकि हमारा भी कुछ हिस्सा भगवान के नाम में जाए, लोगों का कल्याण हो, हमारा भी कल्याण हो। तो आज राम मंदिर का जो कार्यक्रम था बहुत ही अच्छा लगा। तो गाइस मौका मिलेगा तो बहुत जल्द अयोध्या जाएंगे। सो गाइस देखा मार्केट में आए, इतना ज़्यादा भीड़ था और बहुत ही अच्छा लगा। और देखिए हमारे बाबू भी आज गेरुआ कलर में रंग गई है, हैं ना बाबू? जय करो बाबू, जय जय करो, जय श्री राम, 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 बाबू जय करो बेटा, जय करो, जय, खूब पटाखे बज रहे हैं गाइस, तो हम लोग भी पटाखे छुड़ाएंगे बहुत जल्द। और ये वाला ब्लॉग ही पेन करते हैं। बहुत ही अच्छा लगा आज का दिन, और आप लोग बताना आपका दिन आज का कैसा रहा, मस्त रहा कि नहीं? और ऑफ कोर्स मस्ती होगा आज का दिन यार, इतना जो खुशी की बात है, 500 साल नजर 500 साल। तो चलिए बाबू सर देख लो, तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, थंबनेल निकालो।